स्वागत है आपका जीरो एक की दुनिया में और हमारे यूट्यूब चैनल बाइनरी कप पर। पिछली वीडियो में हमने पाइथन को इंस्टॉल किया था विंडोज़ और एंड्रॉयड में। इस वीडियो में हम मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये कार्टून ही बताएगा आपको क्या करने वाले हैं। तो एक कार्टून कह रहा है कि कंपाइलर वर्सेज इंटरप्रेटर। इस वीडियो में हम समझेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस क्या है। लेकिन कई लोगों का यही सवाल होगा कि इस वीडियो की हमें ज़रूरत ही क्यों थी, हम डायरेक्ट कोड भी तो कर सकते थे। हाँ बिल्कुल, आप डायरेक्ट कोड कर सकते थे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। यहाँ पे मैंने आइडियली खोली है विंडोज़ में। और इसके बाद ये कंट्रोल एन से न्यू विंडो आ गई। इन दोनों के बीच का डिफरेंस को समझने के लिए आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। तो चलिए इसे समझते हैं 3D एनिमेशन की मदद से। यहाँ पे हमारे पास दो रो हैं, लेफ्ट वाली रो है इंटरप्रेटर की और जो राइट वाली रो है उसमें कंपाइलर। यहाँ पे एक टास्क है इंटरप्रेटर को, जो इसके सामने रो है इसमें कितने स्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 स्टिक्स को नीचे गिराना है और कंपाइलर को भी ऐसे ही 6 स्टिक्स को नीचे गिराना है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपको 4th स्टिक में दिख रहा होगा कि वो रो से बाहर है। और यहाँ पे कंडीशन ये है इन दोनों के लिए कि आपको सिर्फ वही स्टिक्स को गिराना है जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इंटरप्रेटर क्या करता है। इंटरप्रेटर ने पहली स्टिक्स को गिरा दिया, दूसरी को भी गिरा दिया, तीसरी को भी गिरा दिया और फोर्थ को नहीं गिराया क्योंकि ये स्ट्रेट रो में नहीं थी, इसलिए यहाँ वहाँ पे आके रुक गया। तो आप इंटरप्रेटर को ऐसे समझ लीजिए कि वो शुरू से काम करना शुरू कर देता है, मतलब पहले के टास्क को कंप्लीट कर देता है तब तक एरर ना आए, और जैसे ही एरर आएगी वो वहाँ पर रुक जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इन्हें 3 स्टिक्स को गिरा दिया और 4th स्टिक्स पे आगे रुक गया है। अभी देखते हैं कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर सबसे पहले हर एक स्टिक को चेक करेगा कि वो रो में है या नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट रो में। तो इसने पहली को चेक किया, ग्रीन कलर आ गया, दूसरी को चेक किया वहाँ भी ग्रीन कलर, तीसरी को चेक किया वहाँ भी ग्रीन कलर और फोर्थ में आके रेड कलर हो गया। अगर आप डिफरेंस देखेंगे, कंपाइलर ने उन पहली 3 स्टिक्स को गिराया नहीं, सबसे पहले उन्होंने पूरे कोड को, एक कोड मान लो आप इसको इन स्टिक्स को, उस कोड को चेक किया उसमें कोई एरर तो नहीं है, इसको 4th स्टिक में एरर दिख गई और वहाँ पे आके ये रुक गया। अब देखते हैं इन सारी स्टिक्स को हमने एक स्ट्रेट रो में कर दिया है, अब देखते हैं ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं। काम किया, पहली स्टिक को गिराया, दूसरी को गिराया, तीसरी को और फोर्थ, अब की बार क्योंकि स्ट्रेट लाइन में थी फिर फोर्थ को गिराया, फिर 5th को 6th को और 7th को। कंपाइलर वही सबसे पहले हर एक स्टिक को चेक करेगा और सबका ग्रीन कलर हो गया यहाँ पे, मतलब हर कोई अब रेडी है गिरने के लिए, और उसके बाद ये सबको गिरा देगा। यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये था इंटरप्रेटर और कंपाइलर में, इंटरप्रेटर को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोड में आगे क्या लिखा है, वो सबसे पहले पहली लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा, फिर उससे अगली को, फिर उससे अगली को और फिर इससे अगली को, और अगर कोई सी लाइन में आगे चल के एरर आते हैं वहाँ पे जाके रुकेगा। लेकिन कंपाइलर में ये होता है कि वो सबसे पहले पूरे कोड को चेक करेगा कि पूरे कोड में तो कोई एरर नहीं है और फिर जाके एक कोड को रन करेगा अगर एरर फ्री कोड है। आपने सुना भी होगा जैसे पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब वो लाइन बाई लाइन कोड को एग्जीक्यूट करती जाती है। और जो एक कंपाइलर है, आपने सी को सुना होगा, जावा का सुना होगा, C++ को सुना होगा, अगर आप उसके कोड में कुछ भी एरर कर देते हो कोड नहीं चलता, लेकिन पाइथन का उससे पहले वाला कोड चल जाता और जहाँ पे एरर है वहाँ पे लाइन नंबर में लिखा आ जाता कि वहाँ पर एरर है। तो यही डिफरेंस था इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। अब मैं समझाता हूँ मैंने आइडियली और कंट्रोल एन से वो क्या खोला था। यहाँ पे मैंने अपना PyTorch 3 ऐप खोला है, और ये क्या है, इसको नई फाइल ओपन करते हैं। यहाँ पे जो आपको मोड मिला है खुलकर, ये है स्क्रिप्ट मोड एंड्रॉयड में। इसमें आप कितनी ही लाइंस लिख सकते हैं, एंटर दबा दबा कर,
और सबको बाद में एग्जीक्यूट इस येलो बटन से कर सकते हैं। और जो यहाँ पर जाकर इंटरप्रेटर और टर्मिनल में है, यहाँ पर इंटरप्रेटर खोलेंगे, यहाँ पे आप जैसे ही एक लाइन लिखेंगे और एंटर दबाएंगे, उसका कोड आउटपुट आपको साथ में मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ प्रिंट करवा के देखते हैं, प्रिंट हेलो, हेलो प्रिंट हो गया, प्रिंट बाय बाय प्रिंट हो गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे हम लाइन लिखते और एंटर दबाते हैं, उसका आउटपुट हमें साथ में मिल जाता है, लेकिन स्क्रिप्ट मोड में ऐसा नहीं है। इसको पूरे को क्लोज करते हैं और यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा लाइंस लिखूँगा आपकी बार, प्रिंट हेलो, प्रिंट हाउ आर यू, उसके बाद प्रिंट गुड बाय। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी एरर है दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे हम एंटर दबाएंगे येलो बटन से, देखिए तीनों लाइनों का आउटपुट एक साथ मिला, और वहाँ पे क्या था इंटरप्रेटर में, एक लाइन का आउटपुट उसके बाद में ही मिल जाता है। जैसे ये किया, इसके बाद हम लिखना लिख ही नहीं सकते, एंटर दबाएंगे उसका आउटपुट मिल जाता है यहाँ पर। अभी आपको इसका इतना समझ में नहीं आएगा आइडियली और कंपाइलर के उसके स्क्रिप्ट मोड के बीच में डिफरेंस, जब हम इसको प्रैक्टिकल यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और एनिमेशन मैंने बनाई है ये, अगर एनिमेशन पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना।